तो गोलू मैडम थोड़ी सी परेशान है, थोड़ी सी परेशान, तो उसको थोड़ा सा पेन फील हो रहा है। अब ये पता नहीं वो फॉल्स पेन है या वो एक्चुअल पेन है, तो अभी बस यू नो काउंटिंग द फिंगर्स, समझ नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं। तो अपन इसके बॉडी गार्ड है, ये अभी ऊपर आया थोड़ा सा नहाने वाने के लिए। मम्मी ने बोला क्या पता इनकेस अगर जाना पड़ जाए तो फिर पहले तो अपना अभी माइनस सा पेन है तो नहा धो ले, और अगर हॉस्पिटल वगैरह जाना पड़ेगा तो क्या पता कितना टाइम लगेगा फिर। नहीं तो यार इट्स आई थिंक 6:45 इन द इवनिंग, हम लोग 5 बजे आए थे डॉक्टर के पास, 5:50। अच्छा इधर घड़ी भी लगाया क्या, मैंने देखा नहीं थे बाबा। तो अपन 5 बजे आए थे डॉक्टर के पास, तो गोलू को हल्का हल्का पेन जैसे सुबह से चल ही रहा था, और अभी इन्होंने डॉक्टर ने बोला कि यहीं पर एडमिट कर लेते हैं, रात को ऑब्जर्व करेंगे। पर ग्लूकोज चल रहा है गोलू के लिए, और ये अभी अभी रोके हटी रे बाबा, ये अभी रोके हटी। मम्मी का कहना मम्मी का कहना ये है कि बाड़ा किस मारे आज दर्द कर रहा है बाड़ा ने, क्योंकि बाकली बांट दी मम्मी ने, गैन का बात कर दिया। तो मैं दो तीन दिन पहले कर लिया भाई, पहले भी बाटी थी तो एक हफ्ता, पर दोनों बटवानी भी अगले अच्छा शौक सारे पूरे कर दूंगा, चटपटा बाड़ा चाहिए मेरा दादी क्यों सूसा पड़ी है, सारे काम करवा के चली जाऊंगा। एक और वॉलंटियर पहुंच चुके हैं, सबसे साहसी वॉलंटियर को बुलाया गया। 8 इवनिंग, और अभी तक गोलू को ज्यादा कुछ पेन स्टार्ट हुआ नहीं है, उन्होंने ट्रिप लगाई भी है बट इतना पेन हुआ नहीं है उसको। तो अभी वो बोल रहे हैं डॉक्टर की अभी इसको रोक देंगे हम लोग, और सुबह फिर से ट्रिप लगाएंगे, क्योंकि रात को अगर ज्यादा दिक्कत विक्कत ना हो इससे अच्छा ना रात को आराम से सो लेगी वो, अगर पेन इतने ही रहते हैं तो इसलिए उन्होंने बोला कि सुबह अपन ट्रिप लगाएंगे आराम से, और फिर सुबह देखते हैं क्या होता है। तो अभी मैं आया हूँ मम्मी और अपने लिए थोड़ा सा खाना लेने के लिए, ताकि यू नो अभी रात तो निकालनी पड़ेगी ना, नींद वींद तो अब ऐसी आएगी यार, बट टेंशन भी है थोड़ी। गोलू भी 2-3 बार रो चुकी है, पता नहीं उसको अभी इतनी टेंशन, सुबह से लग रही थी लेकिन अभी उसको टेंशन ज़्यादा हो रखी है यार, और उसको देख देख के हम लोग को भी टेंशन। यार अभी कुछ दिन पहले ही मैं और गोलू जो है इधर आए थे डोसा खाने के लिए, और मेरे को पता नहीं था कि इतनी जल्दी अपने को दोबारा मौका मिलेगा। आज गोलू तो नहीं खा पाएगा लेकिन आज मम्मी को टेस्ट करा देंगे यहाँ का डोसा वोसा जो भी। मम्मी का थोड़ा बहुत खाने का मन है, मम्मी का भी मन नहीं है, गोलू का भी मन नहीं है, क्योंकि ऐसे में मन होता भी नहीं है अपने को, उसको देख देख के भी ये भी मेहनत ही है यार आज के दिन में, अंदर से यू नो अजीब सी फीलिंग है, बता नहीं पा रहा, बस एक्साइटमेंट भी है, नर्वसनेस भी है, डर भी लग रहा है। अरे मामी को कर दे फिर जल्दी से बेबी हो जाएगा। नहीं बोलेगा बाय बालू। इट्स 9:20 और मम्मी इंफॉर्मेशन देती है, घूम रही है सबको, गोलू मैडम आराम से बैठी है, अपन भी रिलैक्स है अभी के लिए कुछ नहीं। तो यार इट्स 11:00 और अभी मैं गाड़ी में आके बैठा हूँ, बस थोड़ा सा पैर वैर खोलने के लिए, नींद पता नहीं यार मुझे तो लग नहीं रहा आएगी, क्योंकि थोड़ी सी टेंशन तो है यार। मम्मी और है अंदर, गोलू भी है, गोलू को अभी इंस्टेंस में लग रहा था उसको कि थोड़ा पेन, जो नॉर्मल उसका पेन चल रहा था काफ़ी सुबह से, उससे थोड़ा सा ज़्यादा उसको पेन अभी हुआ था, जो भी भगवान सब कुछ अच्छा कर दे, माता रानी कृपा करे, थोड़ी सी वेट करने के अलावा अपन तो कुछ कर नहीं सकते, और मेरी गोलू को थोड़ी स्ट्रेंथ मिल जाए, बस इतना ही है यार। तो यार अभी बज रहे हैं सुबह के करीबन 5:10 बचे हुए हैं सिर्फ 5 बजने में, तो वेट हो रहा है, नींद तो आई नहीं, चक्कर मैं अंदर बाहर काट के आया हूँ, देख के आया हूँ कि सब ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, के पास जा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि गेट अंदर से बंद लॉक कर दिया उन्होंने, तो बस मैं बाहर से राउंड मार के वापस आ जाता हूँ। बस एक बार अभी यही है कि 6 बज जाएँ ताकि देखूँ, और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके दिन का टाइम निकल जाता है, रात को टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है बाबा, और आंखों में नींद दिखाई दे रही होगी, बट नींद आई हुई है बट सो नहीं पा रहे, पता नहीं क्यों नहीं सो पा रहे यार, ये फीलिंग कभी कभी होती है। इसने तड़क तड़क बोल की बात है। उसके बाद रात गई बात गई, ये तो बढ़ेगा। ये चल रही है हमारी दूसरी चाय पार्टी।
और गोलू को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। कहा दर्द हो रहा तेरे को? चलो फिर ठीक है मम्मी, दर्द हो रहा है थोड़ी संतुष्टि रखने का। अरे दर्द हो रहा तो ठीक है। तो यार अभी नेक्स्ट डे के सुबह के 10 बजने के हैं करीबन, गोली को ट्रिप लगी हुई है, पेन अभी तक उसको ज़्यादा स्टार्ट हुए नहीं है, डॉक्टर 11 बजे आएगी तो उसके बाद ही कंडीशन पता चलेगी। वैसे अभी मैं सोच रहा था कि लाइक ऐसा होता है ना कई बार कि हम लोग हमेशा सोचते हैं कि फैमिली को कोई पेन वेन नहीं होना चाहिए, लेकिन आज हम लोग कल रात से वेट कर रहे हैं कि उसको जल्दी से पेन हो जाए और ख़त्म हो जाए चीज़ें। बाकी सब ठीक है रे, तुम मुँह बना के दिखा मम्मी को। मम्मी कह रही है कि पेन हो ना हो थोड़ा मुंह बनाती रहे ताकि मम्मी को संतुष्टि रहे। मेरे बेटे ने ना दिखाई, इसने तेरा दिखाया। बता। मेरा बेटा वो तो कुछ रात ने को दी मम्मी ते मम्मी बात मैं बात ही सी जितना टाइम लग रहा ना उतने फिर लाने दिया करेंगे। फालतू बोल लगा ना, कह देंगे दादी यार मार दूसरी दादी, मैं सारी रात जाग रही है फालतू नहीं बोल लगा। पापा भी भाई देखो मेरे हाथों पे भी खून लगा हुआ है मच्छरों का, पैरों पे भी। स्टोरी तो माधुरा दिखाने भी हो जाएगी, बताना बताने। तो यार गोलू को जो ड्रिप लगाई थी उससे पेन तो उसको स्टार्ट हो गया है, कम्प्लीटली नहीं आया बट थोड़ा बहुत आ गया, और उसकी वजह से अब उसको यू नो जब अपन अंदर जाते हैं तो उसको देखने को पड़ता है यार, क्योंकि जब डॉक्टर चेकअप के लिए आते हैं ना थोड़ी थोड़ी देर में इंटरवल से, तो उसके हाथ में जो ड्रिप लगी होती है उसको हिला के मतलब इन्हें कई बार चेक करते हैं कि ड्रिप सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है, या इंटरनल चेकअप कर, तो वो चिल्ला भी रही है एक दो बार, तो भाई साहब दर्द उसको हो रहा है, फट मेरी रही है यार, मतलब बच्चा भी चाहिए होता है यार और दर्द में भी देखना होता, पता नहीं है बस जल्दी से निपट जाए यार, अब तो काफ़ी देर हो गई, 11:30 के आसपास का टाइम हो गया, 24 घंटे से ऊपर हो चुका है। तो गाइस ये वीडियो जो है मैंने की अभी 10:30 के आसपास का टाइम हो चुका है रात का, मैंने सुबह 12 बजे लास्ट वीडियो शूट किया था, तो उसके बाद अभी मैं रात को 10 बजे ही शूट कर पा रहा हूँ, बिकॉज जो बीच का सीनरी था ना वो इतना ज़्यादा बिगड़ गया था सब कुछ, हालत टाइट हो गई थी हम सब की यार। मैं जो 12 बजे का पार्ट मैंने आप लोग को बताया था कि गोलू को ट्रिप चढ़ाई जा रही है सब, उस टाइम तक सब कुछ नॉर्मल था, और हमें उसके बाद जैसे कि हम लोग बाहर बैठे हुए थे, दी डॉक्टर केम फॉर दी इंस्पेक्शन, उन्होंने इनसाइड चेकअप किया, बेबी की हार्ट बीट्स मॉनिटर की, और तब भाई साहब डॉक्टर की भी फट गई, डॉक्टर लाइक गोलू को क्लोटिंग्स हो गई थी, ब्लड क्लोटिंग्स, और तब तक फिर क्योंकि एक्चुअली जो हमारी एक्चुअल डॉक्टर थी वो गए हुए थे कहीं आउट ऑफ स्टेशन, और गोलू को हमारा हमें जाना था 15 तारीख को डॉक्टर के पास, तो 15 तारीख को वो हमारी जो डॉक्टर थी वो अवेलेबल होती वो आ जाती तब तक, बट गोलू को पेन स्टार्ट हो गए 12th को इनफैक्ट, तो इसी चक्कर में हम डॉक्टर वो मिल नहीं पाई, दूसरी डॉक्टर थी अच्छी थी बट उनको केस के बारे में पता नहीं था, वैसे अभी तक हमारा सब कुछ नॉर्मली चल रहा था, कोई इशू आ नहीं रहा था हमें बिल्कुल भी, बट कल एकदम से ऐसी जो क्लोटिंग्स वगैरह हुई तो डॉक्टर ने फाइलें वगैरह चेक की कि बच्चे हो गए मतलब कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं, तो फाइल में तो कुछ था नहीं बिकॉज फाइल इज़ कम्प्लीटली ओके, हम लोग को मम्मी उन्होंने डॉक्टर ने फटाफट से मम्मी को बुलाया, दे टोल्ड कि क्लोटिंग हो रही है, बच्चे की हार्ट बीट जो है 170 से प्लस जा चुकी है, 175 177, और इससे ज़्यादा वेट करना ठीक नहीं होगा बच्चे के लिए और मम्मी के लिए भी, तो उन्होंने मम्मी को ये चीज़ें बताई, मम्मी के हाथ पैर फूल गए थे, मम्मी ने तभी मतलब डिसीजन ले लिया था कि डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, डू योर बेस्ट, मेरे को मेरी बहू और मेरा बच्चा सही सलामत चाहिए। डॉक्टर उन्होंने फिर जैसे ही सर्जरी डॉक्टर को कॉल किया एंड इतना सब कुछ इतना फास्ट होता चला गया कि
टाइम ही नहीं था किसी चीज़ के लिए यार। सब ईच एंड एवरी मेम्बर ऑफ द माई फैमिली यू नो, ऐसा लग रहा था कि सबकी हालत बहुत ज़्यादा टाइट है, कोई कहीं पे रो रहा है। सभी की मम्मी आई थी, सभी का भाई आया था, मेरे ताई जी, पापा, मोनी दी, रिंकू, सब सब आए हुए थे, तो सबकी हालत टाइट थी यार। और अपनी तो मैं बता नहीं सकता सच में क्या हालत थी, क्योंकि एकदम मैंने पूरा ये फेज देखा है 9 मंथ का, वो उसमें बिल्कुल सब कुछ सही था, मेरे हिसाब से सब कुछ सही चल रहा था हमारे पास, पर दी अल्ट्रासाउंड वॉज परफेक्ट, एवरीथिंग वॉज परफेक्ट यार। बट अचानक से आके एकदम से सब कुछ बिगड़ गया था, ऐसा लग रहा था चीज़ें हाथ से जा रही हैं। सर्जरी के लिए लेके गए, वी आर सिटिंग आउटसाइड द रूम, मतलब सर्जरी में जनरली एनेस्थीसिया दे देते हैं, पेन होता नहीं है, 5-10 मिनट की सर्जरी मुश्किल से होती है, बेबीज इन योर हैंड्स, बट ऐसा हुआ नहीं। गोलू अंदर थी, गोलू वहाँ पे भी चिल्ला रही थी, तो वी थॉट कि मे बी दे आर ट्राइंग फॉर दी नॉर्मल डिलीवरी, हमें पता नहीं था अंदर क्या हो रहा है, तो इसलिए वो बार बार चिल्ला रही थी, तो वी जस्ट थॉट कि ऐसा हो सकता है, बट ऐसा था नहीं। एक्चुअली जो बच्ची थी हमारी, जो उसकी जो नोड होती है वो उसके गले से लिपट के उसके हाथ में ऐसे लिपट गई थी। डॉक्टर्स जो सर्जन्स आए हुए थे उनके हाथ पैर फूल गए थे बिल्कुल, कि जो कट लगाने के बाद भी स्टमक में सर्जरी के जो कट होते हैं उनके लगाने के बाद भी उनको ऐसा हो गया था कि बेबी निकल नहीं पा रहा बाहर, कैसे निकालें। तो इसलिए जो नॉर्मल जो कट लगते हैं उससे भी आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा ही कट लगाया, और ऊपर से 2 बंदे बेबी को पुश कर रहे थे, तो इसलिए गोलू चीख रही थी, ये सब गोलू ने मेरे को बताया बाद में। 2 बंदे फाड़ दिए, वो उसको पुश कर रहे थे ताकि वो बाहर निकल पाए, और बहुत ज़्यादा रिस्क हो गया था क्योंकि ब्लड इतना ज़्यादा हो गया था, और बस इतना पता है अब सब कुछ ठीक है। एक बार सबकी हालत टाइट थी, बट जैसे बेबी हाथ में आया पता चला कि गोलू ठीक है, सब ठीक हो गया। तो माता रानी की कृपा की, अब सुबह मतलब आई थिंक 1 बजे के आसपास बेबी हुआ था, तब से लेके अभी तक गोलू तो अभी तक होश में आई नहीं है, बट बेबी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, और डॉक्टर कह रहे हैं कि गोलू भी ठीक है, बिल्कुल कोई इशू नहीं है, मतलब उन्होंने रेगुलर चेकअप रहा है, इंस्पेक्शन वो लोग कर रहे हैं, सब ठीक है। तो बस यही था कि मैं उस टाइम पे वीडियो शूट करने की बिल्कुल सोच भी नहीं सकता था यार, तो इसीलिए मैं सोचा कि आप लोग को ये बात बतानी चाहिए जो भी मेरे साथ बीता उस टाइम पे, मेरी फैमिली के साथ बीता है। स्वाती है।